सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सब कुछ ठीक है ना? देखो, बॉलीवुड इज बैक. ठीक है, एक ही साथ तीन मूवीज के ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, बंटी और बबली टू, फिर आ गया सत्यमेव जयते का पार्ट टू, और फिर अंतिम में हमारे सलमान भाई का अंतिम. ये तो कुछ और ही मतलब हो गया. हमारे भाई का मूवी का नाम है अंतिम, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है. ठीक है, तो आज हम तीनों मूवी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. तो बढ़ते हैं इंट्रो के बाद. सबसे पहले यार बात करते हैं बंटी और बबली पार्ट टू, यानी कि जो उसका सीक्वल आ रहा है उसके बारे में. तो यार, जो पहला बंटी और बबली था उसमें अभिषेक बच्चन थे रानी मुखर्जी के साथ, बट इस मूवी में बंटी के रोल में सैफ अली खान आ गए हैं रानी मुखर्जी के साथ. तो यार, काफी टाइम के बाद एक स्क्रीन पे हमें सैफ अली खान और रानी मुखर्जी को देखने मिलेगा, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. और इस मूवी में नए बंटी और बबली भी आ गए हैं, सो भी देखना यही होगा कि नए बंटी और बबली और पुराने जो बंटी और बबली है वो कैसे धमाल मचाते हैं. दूसरी जो मूवी आ रही है वो है सत्यमेव जयते पार्ट टू. ठीक है, तो यार इस मूवी का ट्रेलर जो भी अभी रिलीज हुआ है वो मैंने 2 से 3 बार देखा, बट यार मैं तो कंफ्यूज हो गया कि जॉन अब्राहम के आखिर कितने रोल्स है. ठीक है, वो मल्टी रोल्स करने वाले हैं इस मूवी में. तो यार अब देखना ये है कि ये मूवी पसंद आती है या नहीं, क्योंकि यार मोस्टली ऑडियंस ऐसी है इंडिया में कि यार ये सारे बॉलीवुड मसाला ही पसंद आता है, और ऊपर से यार देशभक्ति के साथ ये मूवी आ रही है, तो डेफिनेटली ये मूवी करेगी अच्छे से. ठीक है, और इस मूवी में यार 2-3 ट्रेलर में मैंने शॉट्स देखे कि यार एक शॉट में जॉन अब्राहम है वो गाड़ी का इंजन पूरा का पूरा यार निकाल लेता है अपने हाथों से. तो यार जॉन अब्राहम को अब बॉलीवुड का सुपर हीरो मुझे तो लगता है घोषित कर देना चाहिए. ठीक है, और दूसरा एक शॉट में यार एक ही हाथ से नारियल को फोड़ देते, तो मुझे तो यार जब भी मम्मी देती है नारियल फोड़ने के लिए 2-3-4-5 बार मैं नीचे जमीन पे पटकने के बाद भी नारियल यार फोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर भी यार पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो रहा है. तो हाँ, मूवी के शुरुआत में ही बोल दिया जाता है कि काल्पनिक है ये सारी चीजें, बट फिर भी यार कितनी, अब देखना यही है कि यार ये मूवी में क्या होता है आगे जाके. और एक शॉट है यार इस ट्रेलर में मैंने देखा आज, तो यार मतलब मेरा सर ही मतलब पूरा का पूरा एकदम ब्लास्ट होने ही वाला था, बट यार पता नहीं कैसे करके ये वीडियो मुझे बनाना था, आखिर तो मैं बच गया. तो यार ये शॉट में तो यार हद ही हो गई, मतलब पल्सर बाइक ही था अराउंड, और उसका वेट होता है 200 kg अराउंड. ठीक है, और उसके ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, उसका वेट तुम ले लो 70 kg अराउंड, तो 270+ kg को उठा लेता है जॉन अब्राहम अपने हाथों से. तो अब तो मतलब इस मूवी का हीरो नहीं बोल सकते, सुपर हीरो ही अभी बना दिया है यार. तो देखना यही है कि ये सारी मूवी लोगों को पसंद कैसे आती है या नहीं. हमारे भाई की जो मूवी आ रही है अंतिम, ठीक है, आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि एक मराठी मूवी पहले से बन चुकी है, उसी मूवी का रिमेक है ये अंतिम मूवी. और हाँ, ये मराठी मूवी में पुलिस का रोल जो अभी हमारे सलमान भाई कर रहे हैं वो बहुत ही कम था, बट अभी ट्रेलर को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि यार हमारे भाई का रोल स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, और उसके साथ आयुष शर्मा को रीलॉन्च कर रहे हैं हमारे भाई भांजा या साला ही है ना, पता नहीं यार. तो नहीं, इसमें यार नेपोटिज्म तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यार खुद भाई, क्योंकि फिर कैरियर, तो यार हमें उस सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो हम तो यार भाई की मूवी फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं, और बहुत ही सही मूवी तो यार ट्रेलर से लग रहा है. अगर ट्रेलर की जैसी भी मूवी निकली तो यार बहुत ही ज़्यादा कमाएगी ये मूवी, और बहुत ही सही रहेगी यार ये मूवी. तो यार मुझे तो यार बहुत सही लगी अंतिम का ये ट्रेलर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और आपको यार ये तीनों में से कौन सा ट्रेलर सबसे अच्छा लगा यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना. और यार चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब बटन, जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको यार प्रेस कर देना, और साथों साथ जो बेल आइकन बाजू में उसको भी प्रेस कर देना, तो यार जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.